जी का एक अंश राम जी की अवध में आ गए। अयोध्या में राम जी को मालूम पड़ा कि दुर्वासा बाबा आए हैं, बहुत सारे ऋषि उनके साथ में आए हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं, पर उनकी कुछ शर्त है, दो शर्त है उनकी। और बड़ी विचित्र शर्त होती है, जब संतों की जो शर्त होती है ना, बड़ा बड़ा विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। हम भी कथा करने जाते हैं तो पहले ही कह देते, देखो भैया 7 दिन की कथा है तो हम 4 दिन तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। अब यही जजमान बैठे हैं राजा भैया और बेटी बैठी है, श्रद्धा बेटी, पूछिए इनसे, जी जी भाई से, कि 7 दिन में से 4 दिन हम हमारे कमरे में से भी नीचे नहीं आते, भगवान का भजन करा, केवल कथा के टाइम आना, कथा से वापस अपने कक्ष में चले जाना, अपनी माला जपना, भजन करना, शंकर जी का गुणगान करना और जितना बन सकता है अध्ययन करना, इसके सिवाय। दूसरा, हम मिलेंगे पर 4 दिन तक नहीं मिलेंगे, 7 दिन में से पीछे के 5वें 6ठा 7वां दिन रहता है उसमें मिलेंगे। 5 दिन की कथा है तो शुरू के कम से कम 2 दिन नहीं मिलते, फिर पीछे के 2 दिन मिल जाए, जो नियम है वो नहीं। दूसरा संकल्प ये रहता है कि महिलाएं, माता बेटी स्त्री चरण को हाथ ना लगा, पुरुष है वो छुए पर स्त्री नारी माँ ये चरण ना छुए, क्योंकि स्त्री बेटी माँ हम उनको जीजी कहते हैं और हमारी बहन से हम हमारे पांव छुआएं ये हमको ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप हमारी बहन हो, अगर बहन ना होती तो हम यहां से बार बार मंच से हम आपको जीजी नहीं कहते और इनको हम जीजा ना कहते, आप हमारी बहन हो, जीजी हो, तो बहन से कैसे पांव छुआ ले, और बुजुर्ग हैं तो हमारी माँ है, छोटी हैं हमारी बेटी हैं, कन्या है, हम उनसे कैसे चरण। संत साधु गुरुजन नारी से चरण छुआना नहीं चाहिए, हम जितना पाठ करते हैं अनुष्ठान करते हैं ये चरण के अंगूठे में से निकाल के ले जाती है पांव पड़ने के बहाने। चलो एक बात बताओ, जब गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तो तुम उसका सिर धोती हो कि चरण धोती हो, जम के बोलो जरा, अब क्यों धोती हो, तुम्हें क्या पड़ी कि गुरु जी का चरण दो, माता पिता के चरण दो, यहां तक कहा गया है पति के भी चरण धोना चाहिए, परंतु तुम तो उसको ही धो देती हो, दिक्कत तो यहां पड़ी ना। एक पत्नी बाथरूम में से नहा के बाहर निकली, पति नहाने के लिए गया, नहाने के लिए गया तो पत्नी ने कहा सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति डिप्रेशन में आ गया, बाद में तुम कपड़े धो दोगे क्या, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी, अब ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी, अब ये समझने वाली बात, पति डिप्रेशन में। तो सीधा सा प्रसंग है, आप चरण किसके, आपने चरण धोए गुरु जी के चरण धोए, सिर तो नहीं धोया, जम के तो बोलो, मुंडा नहीं, हाथ नहीं, पांव धोए, पांव क्यों धोए, पांव में जो अंगूठा है उस अंगूठे पर जब जल डलता है, अंगूठे को जब छुआ जाता है, अंगूठे पर जब जल डाला जाता है, तब वो जल जब चढ़ता है तो पूरे जितने अनुष्ठान करे होते हैं, जाप करे होते हैं, जितने पाठ करे होते हैं, उस पाठ का एक अंश जो चरण धोता है उसके खाते में चला जाता तुरंत। टच और मिला,
मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, कभी नहीं, संतों के, गुरुजन के, आपको चरण छूना है, आपकी सास के छुओ, ससुर के छुओ, पति के छुओ, कोई घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, उसके छुओ, पर हमको अच्छा नहीं। हमारा नियम है, जो नियम है, भगवत भजन करो खूब प्रेम से, आप दूर खड़े होकर हमसे बात करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चिल्ला के बोलो, हम भी बोलेंगे चिल्ला के, श्री शिवाय नमस्त। तो ये एक प्रसंग होता है, पर चरण छूना उत्तम, तो ये कुछ नियम होते हैं। अब दुर्वासा बाबा ने वहां पर जाकर अपने नियम बता दिए राम जी के सामने, मेरा कुछ नियम है, दो मेरे संकल्प हैं, आपको संकल्प पूरा करो और मेरे 60,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन करो, कौन सा नियम है तुम्हारा? दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरा नियम ये है राम जी, जल, अग्नि और धेनु, इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा, पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर धेनु, धेनु मतलब गाय, इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए, और पकवान 56 भोग बनना चाहिए, पर उसमें ना जल मिले, ना वो अग्नि में तपा हुआ हो, और ना वो गाय के दूध से या धेनु से निर्मित किया हो। दुर्वासा जी जैसे ही बोले, राम जी सोच में पड़ गए, अभी ऐसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दूं, और 56 भोग। दूसरा दुर्वासा बाबा ने दूसरा संकल्प कहा, सुनो राम जी, मेरा दूसरा संकल्प है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव की पूजन में करता हूं, आज अयोध्या में शंकर की पूजन करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं, उस फूल पर अवध वासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी हो। अब हम जा रहे हैं, आपको मंजूर हो तो हम रुकें, नहीं तो हम हमारे दूसरी जगह जाएं। राम जी ने कहा हमारे यहाँ से कोई भूखा जाए अच्छी बात नहीं है, आप बिल्कुल भोजन करिए। तो दुर्वासा जी ने कहा हम सरयू स्नान कर आते हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को लेकर सरयू जी का स्नान करने चले गए, और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको आमंत्रित करा, जल्दी आओ, तुरंत हनुमान को बुलाया, जल्दी आओ, तुरंत भीड़ लग गई है राम राज्य में, आज अवध में भीड़ पड़ी हुई है। अवध में भीड़ लगी, राम जी बड़ी चिंता में, लक्ष्मण जी ने पूछा भैया क्या बात है, इतनी चिंता तो आपको रावण को मारा तब नहीं थी, और आज आप इतनी चिंता में समाये हुए, हुआ क्या? राम जी ने कहा दुर्वासा ऋषि 60,000 ब्राह्मणों, संतों, ऋषियों को लेकर आए हैं, अवध में सरयू जी स्नान करने गए हैं, उनको मैंने भोजन का बोल दिया है, संकल्प लिया है, दो संकल्प हैं उनके, पहला भोजन करना है उनको, पर वो अग्नि, जल और धेनु इन तीन से युक्त ना हो, और दूसरा अवध के लोगों ने जिस फूल का दर्शन ना करा हो वो फूल शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए। और बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा पहली बार सुमहापुराण के इस प्रसंग में स्मरण में आई है, कि वो कौन सा पुष्प होता है जिस पुष्प के चढ़ा देने से शंकर भगवान पर, अगर कोई व्यक्ति ने लाकर दे दिया, जो लाया वो, जिसने छुआ वो, जो चढ़ा रहा है वो, उसके परिवार में बल उत्पन्न होता, बल मतलब वो टूटता नहीं है जल्दी, डिप्रेशन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता, उसके अंदर इतना बल आ जाता है